गुड मॉर्निंग भाई, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बताने जा रहा हूँ इंडिया में थ्रेशोल्ड अमाउंट कैसे यूज करें। ओके, अभी एक हमारे क्लाइंट है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। ओके, गूगल एडवर्ड लगाने जाऊंगा, उसमें थ्रेशोल्ड लेकर के दिखाऊंगा, 100% गारंटी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको चार्जेज नहीं लगेगा। बट हाँ, गूगल एडवर्ड में जो चार्जेज पे करना है तो उसमें आपको पे करना होगा। और थ्रेशोल्ड अमाउंट का इसमें क्या होता है, 5,000 खर्च करके कैसे हम मतलब 25-30,000 रुपए का कैसे ऐड चला लें। ओके, तो आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस। गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाकर लिखेंगे एडवर्ड लॉग इन, एडवर्ड्स लॉग इन लिखेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखते रहिए मैं कैसे करते जा रहा हूँ, आपको इजिली और आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी कोई भी लॉगिन करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी मैं सडनली कोई भी पिक कर लेता हूँ, जो हमारे पास बहुत सारे ईमेल आईडी है, क्योंकि मैं मेरा काम यही है गूगल एडवर्ड चलाना है, ठीक है। तो देखो जी, मैं यहाँ से कोई भी रेंडमली पिक कर लेता हूँ ईमेल आईडी। चलो, मैंने इस ईमेल आईडी को मैंने पिक किया, ठीक है, इस ईमेल आईडी को पिक किया। इसका मैंने पासवर्ड यहाँ से डालता हूँ, ठीक है। ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ये 2-3 बना हुआ है, लेकिन आपको इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और डायरेक्ट जाएंगे न्यू गूगल एडवर्ड्स अकाउंट, हमें नया बनाना है। ये पुराने ऑलरेडी बना है, अगर आप लोग को नया ईमेल आईडी कभी नहीं बना होगा तो ये नहीं आएगा, बट ये पुराना इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है न्यू गूगल एडवर्ड्स अकाउंट। ओके गाइस, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो देखो ये एडवर्ड बन रहा है, ठीक है, बन गया। और यहाँ से देखो कस्टमर आईडी जनरेट हो गया, कस्टमर आईडी है 7003203003, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट जाना है स्विच टू एक्सपोर्ट मोड। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो आपका ये ऑप्शन आएगा, देखो जी। आपको कभी भी एडवर्ड बनाना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी नया वीडियो एडवर्ड आपकी कंपनी के लिए, अपनी बिजनेस के लिए लगवानी है तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर के लिए 40% का डिस्काउंट होता है, नए कस्टमर के चार्जेबल होता है। चार्जेबल क्या होगा वो अब जब आप कॉल करेंगे तब मैं बताऊंगा। नॉर्मल चार्ज होता है, जो फॉर्मेलिटी के लिए चार्ज है, ऐसे समझ सकते हैं कि आप फ्री ही हैं, बट एक नॉर्मल चार्ज लगता है ताकि आप लोगों को लगे मैंने कहीं पैसे दिए हूँ तब काम हो रहा है। फिर यह चीज़ की कहीं वैल्यू नहीं होता है, इसलिए चार्ज है, ठीक है। तो अभी पता चलते हैं, मैं सेल्स एंड सर्च यहाँ पर मैं ऐड बना करके दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरी वेबसाइट, ये हमारे कस्टमर है, चेन्नई की है। कभी भी हमारे बारे में फीडबैक लेना हो कि कैसा बंदा है, कैसी कंपनी है, सर्विस सेलर, तो हमारे ये जो कस्टमर है जो चेन्नई की है, ये पैकर्स मोर की इनकी कंपनी है, इनके बारे में पता कर सकते हैं हमारे बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा मैंने कॉल ओनली एड लगानी है, ठीक है। तो कॉल ओनली एड लगानी है, कॉल ओनली एड का फायदे क्या होते हैं मैं बताया था। कॉल ओनली जैसे गूगल पर दिखाई देगा, ठीक है। गूगल पर जाते हो, सर्च करते हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, टैक्स साइड में क्या होता है कि वेबसाइट पर लोग विजिट करते हैं, कॉल करें या ना करें, बट वहां से पीपीसी में तो पैसा तो कट ही जाएगा, क्योंकि क्लिक के अकॉर्डिंग पैसा कटता है। लेकिन कॉल ओनली एड में जैसे क्लिक करेगा कॉल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायल किया फोन कॉल्स, यहाँ पे मैंने उसके बाद से यहाँ पे इंडिया का डालूंगा, क्योंकि हमें इंडिया में ऐड चलाना है। इंडिया पे डाला, फोन नंबर डालूंगा, फोन नंबर हमें वही डालना है जो वेबसाइट पे नंबर हो, ठीक है। अदरवाइज वो ऐड अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है गाइस। अब मैंने यहाँ से किया, अब करूंगा कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू किया तो ये पेज बन के ऊपर आया जी, ठीक है। अब यार कंपेन नेम बोल रहा है, कंपेन नेम मैंने डाल दिया, चेन्नई डाल देता हूँ क्योंकि चेन्नई के कस्टमर है, ठीक है। सी एच एन ए चेन्नई डाल दिया, ठीक है, चेन्नई डाल दिया। इस बार बोल रहे सर्च नेटवर्क का मतलब होता है गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, वहाँ भी ऐड शो करेंगे, लेकिन हमें वहाँ नहीं दिखाना, सिर्फ गूगल पर दिखाना है, इसलिए अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं लोकेशन, आप किस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हैं, तो हमें इंडिया में ऑब्वियसली दिखाना चाहते हैं, बट हमें चेन्नई में चाहिए, पूरे इंडिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने चेन्नई कर दिया, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक
है, अब ये टारगेटेड लोकेशन हो रहा है, ठीक है, तो हमें इस पे क्लिक करना है, इस पे है, इसे मतलब कि आप पैकर्स मोडी चैनल में तो कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो आप आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं से आपका वेबसाइट दिखा देगा, लेकिन इसका मतलब होता है प्रेजेंट्स पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, का मतलब होता है कि उस लोकेशन में कस्टमर हो और वहाँ भी सर्च करे तभी दिखाएगा, ओके। और उसके बाद लैंग्वेज बोल रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है ठीक है। अब बजट, एक दिन का क्या बजट चाहिए आपको, तो मैंने एक दिन का, मेरी 2000 रुपये की बजट है, एक दिन में मैंने 2000 रुपये बजट डाल दिया, ठीक है। और आप रहे हैं इस बोल रहे हैं कि सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बीडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। मैक्सिमम क्लिक मतलब होता है गूगल अपने अकॉर्डिंग पैसा काट लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा काट लेगा, मतलब एक रुपये का और एक क्लिक 100 रुपये लग रहा होगा ना, तो गूगल मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम पैसा कट करेगा, मतलब 150-200 कट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैनुअल सीपीसी करना है। मैनुअल सीपीसी का मतलब होता है कि जितना हम बिडिंग सेट करेंगे कीवर्ड पे उतना ही पैसा कट करेगा, ठीक है। अब मैंने मैनुअल कर दिया, उसके बाद से होगा 7 कंटिन्यू किया, ठीक है, 7 कंटिन्यू किया। उसके बाद ये आपसे ऐड ग्रुप नेम पूछ रहा है, ऐड ग्रुप नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया, इंडिया डाल दिया जी, ठीक है। डिफॉल्ट बिट एक कीवर्ड का कितना बजट लगाना चाहते हो, तो मैं लगा लो कि 105 रुपये डाल देते हैं, 100 रुपये तक क्लिक कटेगा बट 105 रुपये मैंने डाल दिया, ठीक है। 105 रुपये मैंने जैसे यहाँ पे डाला, और उसके बाद बोल रहा है कीवर्ड बोल रहा है, तो कीवर्ड सबसे अच्छा है कि यहाँ पे वेबसाइट कॉपी करो, ठीक है, और इस URL के यहाँ पे डाल दो, कीवर्ड अपने बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, इसमें से चूज कर लो आपको कौन सी कीवर्ड रखनी है, ठीक है। ये सब आ गया, यहाँ पे होम शिफ्टिंग सर्विस, मूविंग कोर्ट, मूविंग कंपनी नहीं रखने हैं, मूवर्स नियर मी, हमें छोटी छोटी कीवर्ड भी रखना है, कैसे छोटे छोटे कीवर्ड से भी कॉल्स आता है, मूवर्स एंड पैकर्स, पैकर मूवर चेन्नई, ठीक है, हाउस शिफ्टिंग सर्विस, पैकर मूवर, बेस्ट पैकर मूवर्स, बेस्ट हटाओ जी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं, तो एक ही रिलेट, एक ही रिलेट 5 कीवर्ड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाउस मूवर्स, बेस्ट मूवर्स, पैकर्स, नीचे भी हो गया, प्रोफेशनल हटा दो, चेन्नई हटा दो, होम शिफ्टिंग सर्विस, हाउस शिफ्टिंग सर्विस, ठीक है ठीक है, डाल दिया जी, मूवर्स नियर मी, मूविंग कंपनी नियर मी, हाउस मूविंग सर्विस, प्रोफेशनल पैकर्स, लोकल मूवर्स नियर मी, ठीक है ठीक, लोकल मूवर्स नियर मी हो गया, हाउस शिफ्टिंग सर्विस नियर मी, चलो जी। ये मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमें 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद से आपका ये आगे URL डाले का आ रहा है जी, मैंने URL यहाँ से डाल दिया, वेरिफिकेशन URL यहाँ पर क्लिक कर दो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर टैग डालो, टैग मतलब डाल दो पैकर्स, यहाँ पर डाल दो मूवर्स, ठीक है, यहाँ पर डाल दो मूवर्स एंड पैकर्स इन चेन्नई होम सेटिंग सर्विस, बिजनेस नेम, बिजनेस नेम हमेशा गाइज आप URL के नाम ही डाल सकते हैं, URL से नाम से रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज वो डिसअप्रूव कर देगा आपका, ठीक है। APM लॉजिस्टिक, यहाँ से मैंने डाल दिया APM लॉजिस्टिक बिजनेस नेम, मतलब URL के नाम से रिलेटेड होने चाहिए, ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, जो बंदे नए हो। गाइस फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और यहाँ से बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन वन, तो डिस्क्रिप्शन वन में डाल लिखने जा रहा हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग पैकर्स एंड मूवर्स इन चेन्नई टू ऑल ओवर इंडिया, ओके। डिस्क्रिप्शन लाइन टू, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाइन टू में आप डाल सकते हो होम शिफ्टिंग सर्विस, मूवर्स एंड पैकर्स चेन्नई, इसी बार लिख सकते हो यहाँ कार ट्रांसपोर्टिंग सर्विस डाल दो या रहने दो, यहाँ पे डाल दो लोकल
सेटिंग सर्विस ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद डन कर देना है, सेवन कंटिन्यू करना है गाइस। सेवन कंटिन्यू जैसे करते हो आपके पास यहाँ पे आता है बिलिंग का ऑप्शन, ठीक है, बिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे डालना है। ओके गाइस, अब एक बात के गाइस आप ध्यान देना है, ठीक है, ये तो है इंडिया का, मतलब आपको सिलेक्टर अभी आपको बिलिंग करना है, तो बिलिंग मैं आपको करके भी बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। बिलिंग करके मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक किया तो ये मेरा कंप्लीट ऐड बन करके तैयार हो गया, ठीक है, ऐड बन करके तैयार हो गया, ये इंडिया का है, ठीक है गाइस। तो ये देखो अभी अंडर रिव्यू में है, थोड़ी देर में रिव्यू से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कॉल ओनली ऐड कैसे बनाए इंडिया में, थ्रेशोल्ड कैसे ले, तो और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको जानकारी लेना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन से मोबाइल नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, खासकर जो थ्रेशोल्ड यूज करना चाहते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको नई वीडियो में दिखा सकता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हमारे पॉलिसी के खिलाफ हैं, बट हाँ आप कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको फोन पर डिस्कस कर लूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।